अस्सलाम वालेकुम डायरी बस मैं कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, सालन बना रही हूँ मैं, गोभी गोश्त, मेथी, पत्तों वाली मेथी होती है ना, साथ में वो डलेगी। अब मैं इसमें प्याज काट रही हूँ, लहसुन अदरक वगैरह निकाल ली थी मैं, थोड़ा ये मैं प्याज काट रही हूँ। देखिए एक घंटी प्याज है, सही है। अच्छा ये प्याज कट रही है, प्याज फ्राई हो रही है इसको थोड़ा सा तेज आंच कर देती हूँ, ज्यादा गर्दी हो जाएगी। नमक डालती हूँ चावल में, ये मेरे चावल बन रहे हैं। ये रेसिपी आपको कई दफा बताई है इसलिए ये है नहीं, ये आपका गोभी गोश्त और मेथी है, हरी मेथी पत्तों वाली, इसका है ये सारा। ठीक है, अब ये जो है इसको चला देती हूँ। ये मेरा पक रहा है, ये फ्राई हो गई प्याज भी। फ्राई हो रही है ये वाली मेरी प्याज, ये देखो सालन बना रही हूँ ना मैं। लाल कर ले थोड़ी सी प्याज, अभी नहीं हुई है, ये देखो अभी पिंक नहीं हुई है।
थोड़ी पिंक हो जाएगी ना तो सही रहेगा। आपको नजर आ रहा है इसमें, लहसुन अदरक डालूंगी अब इसमें, फिर गोश्त डालूंगी भुनने के लिए। ये देखिए लहसुन अदरक डाल दिया, दूध बट्टी आई है ना हाथ में, इसको कह रही हूँ। अच्छा मैंने भी गोश्त डाल दी, इसको भूनूंगी मैं। पहले इसको गोश्त को भूनना है, और हैं चावल दम पर हैं, अबे पता भी नहीं आई अभी तक, पता नहीं कैसे यहाँ जा रही है इसमें। तुम कहना हुआ है चूल्हा में भी यहाँ सही नहीं आती थी, यही होता है मैंने ऐसे चूल्हा भी दिखाना पड़ेगा। अच्छा ये फ्राई हो गया गोश्त, ये देखें अच्छी तरह इसको और फ्राई कर लें, ठीक है ना। और इसमें अब डालेंगे धनिया, एक चम्मच धनिया डालें और एक चम्मच पीसी हुई तो हल्दी। गरम मसाला जो है ना आर्टिफिशियल भी डाल सकते हैं और वैसे भी डाल सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है ना। ये मेरा ये मसाला हो गया, गरम मसाला जीरा जीरे के साथ पीस के, आप भुना हुआ जीरे के साथ पीस के आप इसको आखिर में डालिएगा, ठीक है। ये देखिए हरी मिर्च डाल दी मैं, हरी मिर्च डाल दी है मैंने इसके अंदर, ये भुन रहा है गोश्त, ये देखो ये चीज ये भुन रहा है। ये देखिए थोड़ा सा और पानी डाल दूँ ताकि ये थोड़ा अच्छी तरह भुन जाए। अब मैं जो हूँ ना इसमें इसकी सब्जी काट रही हूँ, ये देखिए ये तो भुन रहा है अभी, सही है ना। अब मैंने जो ली थी ना तकरीबन आधा किलो भी गोभी ली थी, और ये मेथी है, हरा धनिया नहीं समझेगा, मेथी है ये। इसको काट रही हूँ मैं, इसे काट रही हूँ, ये जब तक भून रहा है क्योंकि साथ साथ गलेगा ना, साथ साथ गलानी है ये जरा, इसलिए सही लगे तो आप काट लीजिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा, सही है ना। अब ये मेथी भी काट लीजिए, साथ में ही डाल दीजिए मेथी वगैरह सब साथ में डाल दीजिए, गल जाएंगी सारी चीजें। मेथी तो खैर वैसे भी आखिरी में डालनी चाहिए, लेकिन मैं साथ में डाल रही हूँ क्योंकि गोभी वगैरह जो है ना सब साथ में गली जाएगी।
सब साथ हो रहा है ये खाना। आप इसमें टमाटर नहीं डालिएगा, थोड़ा सा दही डाल दीजिएगा एक चम्मच, कि थोड़ा सा और भुन जाए। चावल भी मेरे दम पर है, चावल बनाए थे आपको पता है, थोड़ा सा चावल का भी रखना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए तकरीबन ही हो गया, भुन जाए अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से भूनने के बाद गोभी डाल देंगे, मेथी थोड़ा गलने के बाद, मेथी बाद में डाल दूंगी आपके सामने ही डाल दूंगी मैं, सही है ना। सारा भून आएंगे, देसी तरीका है ये भी, देसी स्टाइल है, सही है ना, आप लोग यूज कर सकते हो आराम से। ऑयल छोड़ दिया इसमें मसाले में, ये थोड़ा सा पानी होना देगा मेरे चावल में, कली में भी कलर भी डाल दूँ थोड़ा सा फुल कलर। ये देखिए मेरा ये बन गया, स्मेल अच्छी आ गई। ये गोभी डाल दी, पहले गोभी कलाएंगे फिर आखिर में मेथी डाल देंगे। ये देखिए गोभी डाल दी है मैंने, सही है ना, थोड़ा सा पानी रखना है, ज़्यादा नहीं, नमक आखिर में डालेंगे, इसमें नमक है और गर्म मसाला जो है ना वो आखिर में डालिएगा, सही है ना। ये देखिए अच्छा थोड़ा सा डाल दिया पानी, भाई ये गलेगा थोड़ा सा, सही है ना, इसको थोड़ा सा गलने दें, ठीक है, फिर मैं आपको बाकी का बताती हूँ। अच्छा प्यारे व्यूअर्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यूज करें। बाकी का मेथी का प्रोसीजर है अभी, बाकी वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए तकरीबन भुन गया है, ये देखें ये भून गया है, इसको थोड़ा सा ये को और भून लें, अब डलेगी ना मेथी डलेगी, मिर्चे हरी मिर्चे ना फोड़ लिएगा, अच्छी लगेगी तरह इसके अंदर, हरी मिर्चे फोड़ लिएगा। भुन गया है ये देखिए, ये मैं मेथी डाल दूंगी, ये देखिए हरा धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, अगर डालना है तो गरम मसाला डाल दिएगा, पीस के मैंने डाल दिया है, और बारीक अदरक डाल दिया। ये देखिए देखिए मेरा ये हो गया, ये फिर मैंने अब ये भून रही हूँ मैं ज़रा इसको, थोड़ा सा ये अब भूनेगा, ठीक है ना, थोड़ा भून रही हूँ इसको मैं, थोड़ा और भून जाए ज़रा। Thank you.
क्यों नहीं है? ये होश भी कर गया, होश भी कर गया इसमें। गरम मसाला मैंने डाल दिया है पीस के, खुद ही ताजा ताजा इमाम दस्ते से कूट के आप डाल दें। थोड़ा मोटा मोटा रहेगा, गर्दन उतर जाएगा तो अच्छा भी लगेगा, कोई बुराई नहीं है। और ये मेरा हो गया कंप्लीट। अच्छा प्यारे बेबस, ये देखें ये सब कम भुन गया है ये मेरा सारा, ठीक है ना। हाँ ये बहुत मज़े का बनता है। मेथू आलू तो खाया है आपने, मेथी आलू तो खाते ही रहते हैं, ये भी खाइए। गोश्त, वो भी गोश्त और मेथी हरी पाल, ताज़ी वाली मेथी, रखी हुई नहीं, वो सूखी हुई मेथी नहीं, ताज़ी मेथी है, ठीक है ना। इसको इस्तेमाल करें इसके। ये देखो ऑयल छोड़ दिया इसमें। अच्छा प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूज़ करें। उम्मीद है कोई आपको ये डिश भी बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।